नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं शालिनी पांडे। 585 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच पर से डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। सभा में प्रधानमंत्री के निशाने पर पूरी तरह कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में देश में हर तरफ भाजपा एनडीए के पक्ष में भारी जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। उत्साह से भरे इस माहौल में आज देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश और वीरधरा राजस्थान के करौली में जनता जनार्दन से आशीष प्राप्त करने का शुभ अवसर मिल रहा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में देवभूमि के सेवक को आशीर्वाद देने आए परिजनों के जोश और जुनून से साफ है कि भाजपा सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं तो यहां भी वही गूंज है फिर एक बार। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है।